ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, किस तरीके से सारी चीजें डेरिवेशन वगैरह से आती हैं उसको हम डिराइव भी करेंगे, और जानेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन का क्या होता है, फुल लाइफ रिएक्शन का क्या होता है, ये तमाम बातें, और थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह भी देखेंगे जो जो बोर्ड के रिस्पेक्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो यार ये केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ये उसका टॉपिक है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ जानेंगे। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह मान के चलता हूँ आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए या फिर कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो हम जनरली बेटा आर ओ आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस डी ए बाई डी टी लिख देते थे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का माइनस साइन ही रेट ऑफ रिएक्शन होता था। मान लो कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है जहाँ पे ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ ए कम होगा, तो यानी माइनस डी ए लिख दिया, माइनस बता रहा है रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी, ये कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, क्योंकि रेट समय के हिसाब से हमेशा ही क्या रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो रेट भैया किस पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव, यानी इसका कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, रेट आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जब मैं रेट एक्सप्रेशन की बात कर रहा था या फिर रेट लॉ की बात कर रहा था जिसको हम एक तरीके से लिख रहे थे, आर ओ आर विल बी दैट टाइम के टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कुछ, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर देख रहे हैं तो इसमें पावर क्या हो जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जैसे ही पावर जीरो हो गई और ये दोनों हमें सेम ही दिख रहे हैं, एलएचएस एलएचएस बराबर है, तो क्यों ना इनको इक्वेट करा दें। क्यों इक्वेट कराना है, क्योंकि टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी यही रेट लॉ जो हम लिख रहे हैं अभी ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, अब मैं कुछ इनको दोनों को बराबर करके इधर उधर भेज के इंटीग्रेट जब कर दूंगा तो कुछ और चीज बन जाएगी। इंटीग्रेशन के बाद फाइनल इंटीग्रेशन में कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह आएंगे, उस टर्म में जब लिख देंगे तो वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का, तो भाई देखो समझो, माइनस डी ए बाई डी टी हम बराबर लिख सकते हैं इसके, के इंटू ए की पावर जीरो को वन मान लेते हैं, क्योंकि वो चीज क्या हो जाएगी, समथिंग की पावर जीरो इज ऑलवेज वन। तो भाई यहाँ से माइनस डी ए या फिर डी ए बराबर माइनस के टी लिख दो, सॉरी के डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो। जब समय जीरो था, जब समय जीरो था तो हमने माना कि शुरुआत में मैंने ए नॉट मोल्स यानी इसका कंसेंट्रेशन ए नॉट था, मतलब मोल्स पर लीटर वगैरह, जब टाइम टी हुआ तो इसके फाइनल मोल्स हो गए ए, तो हमने ए नॉट से ए इधर लिमिट डाल दी, इधर जीरो से टी टाइम लिमिट डाल दी। जैसे ही हम बेटा इसको लिमिट्स रखेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ए नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के टी, या फिर हम अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ध्यान समझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहें, किसका बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो, टी इक्वल टू जीरो रखो क्योंकि हमें ये इस पॉइंट पे चाहिए, टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कहाँ है, टी इक्वल टू जीरो का मतलब है ए बराबर ए नॉट के, यानी उस टाइम पे कंसंट्रेशन कुछ इतनी है ए नॉट के बराबर, यानी इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव का है, क्योंकि ए बराबर ए नॉट हो जाएगा, टी की जगह जीरो रख के देख लो। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ए विल बी ऑलवेज के टी इंटू प्लस का ए नॉट, यानी कुछ ना कुछ ए नॉट से कम होगा। अरे यार, ए नॉट में ये माइनस की चीज ऐड हो रही है या घट रही है नोट से, तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज होगी, ये तो हमें पता भी है कि रिएक्टेंट है तो घटता जाएगा। अच्छा, जो घटेगा वो कुछ स्लोप के साथ घटेगा, वो स्लोप क्या होगी भाई, स्लोप होता है जो टाइम के साथ लिखा है, वाई इक्वल टू एम एक्स होता है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, तो टाइम के साथ कौन लिखा है, माइनस के, यानी स्लोप इज माइनस का के, माइनस मतलब डिक्रीजिंग स्लोप है, तो हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, ये ग्राफ पूछा जाता है, समझ रहे हो बात को बेटा, समझ आई बात को। अच्छा ठीक है, इसी में बेटा इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसी चीज को जो हमने ऐसे लिखा है, ये एक नॉर्मल रेट लॉ हो गया, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ है। इंटीग्रेटेड मतलब जब भैया ये आर ओ आर वगैरह का टर्म हट गया और इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऐसे ऐसे आके बन गया है, उस टाइम को बोला इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अच्छा, ये ग्राफ भी आपने देख लिया, अब मुझे बताइए हाफ लाइफ और फुल लाइफ क्या होता है भाई, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज अ हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो यार देखो, हाफ लाइफ नाम से ही संबंधित है, हाफ मीन्स आधा और लाइफ मतलब जिंदगी, ये रिएक्शन की हाफ लाइफ का मतलब है जब ये आधी कंप्लीट होगी। आधी कंप्लीट होने का मतलब शुरुआत में अगर ए नॉट लिया था तो फाइनली कितने बच गए हैं मोल्स इसके, सॉरी मोल्स बोल लो या मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बात कर लो, कंसंट्रेशन आधी हो गई, यानी ये ए क्या था, ए एफ इसको समझ लो, ये ए है फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए नॉट बाई टू, तो इसी में ए एफ की जगह ए नॉट बाई टू रख दो, ए नॉट बाई टू रख दो ए एफ की जगह, और बाकी कुछ ऐसे ही लिख दो के टी प्लस का ए नॉट।
अब ए नॉट ए नॉट सेम लिख रहा है, इधर लिख दो, तो यहां से इस समय जब सॉल्व करते हैं तो टी आ जाता है ए नॉट बाई टू के, टी कितना आ जाता है ए नॉट बाई टू के, और यही जो टी आया है बेटा इसी को हम टी हाफ भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम है बेटा जिस टाइम, जो टाइम लगा इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा हो जाने में, इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा हो जाने में रिएक्शन को कितना टाइम लगा वही हाफ लाइफ हो जाती है। हम फिलहाल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो आती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। देखो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, रेट कांस्टेंट के इनवर्सली है कि डायरेक्टली है। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन दो गुना कर दोगे तो क्या हाफ लाइफ दोगुना होगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही चीजें? ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक चीज और आई, फुल लाइफ क्या होता है सर? अभी आपने बात की फुल लाइफ। फुल लाइफ का मतलब है बेटा कि ए नॉट अगर शुरू में लिया था तो फाइनल अब जीरो हो गया, मतलब पूरा पूरा ए नॉट यूज हो गया। भाई शुरू में हाफ लाइफ मतलब ये ए नॉट लिया था तो आधा रिएक्टेंट, आधा कंसेंट्रेशन होने में कितना समय लगा? अब मैं बोल रहा हूँ ये पूरा खत्म होने में कितना टाइम लगा, यानी 100% कंप्लीशन की बात हो रही है उस टाइम पे। यानी मैं ए फाइनल को क्या रख दूं? जीरो रख दूं। अरे यार ए फाइनल पिछली बार ए नॉट बाई टू हो गया था, इस बार ए फाइनल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो माइनस के टी प्लस ए नॉट क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो यहां से जो टाइम निकलता है वो बेटा ए नॉट बाई के बराबर निकलता है। जरा मैं एक बार कैमरे में चेक कर लूं, दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों, दिख रहा है। तो ये क्या है बेटा? टी 100% लिख दे रहा हूँ, या इसी को फुल लाइफ बोलते हैं और ये हाफ लाइफ है। और ध्यान से देखो तो इत्तफाक से बेटा ये फुल लाइफ है, इसी को दो से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है इसको, यानी हाफ लाइफ को दो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। और ये लाजमी भी है, हाफ लाइफ का मतलब जब आधा हो जाए तो फुल होने में क्या होगा? आधा का दो गुना टाइम लगेगा, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाता है। याद रखिएगा कुछ कुछ रिएक्शन का हाफ लाइफ इन्फाइनाइट आता है, जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगले वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ये चीज समझ आई? यानी इसका फुल लाइफ और हाफ लाइफ दोनों ही इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ, जो कि हमें बोर्ड में मेंशन करना होता है अलोंग विद इट्स ग्राफ, जो छोटा सा मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ बनाया हुआ था। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा बेटा। अगर समझ आया है तो बेटा इसको याद कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।